अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, रोड जोगी की और एपिसोड में आपकी कितने हाजिर हैं। आज हम आपके लिए एक बड़ा ही यूनिक किस्म का कंटेंट लेके आए हैं। आज धूप बहुत ज़्यादा है और काफ़ी सनी वेदर है, तो आज आपके लिए हम जो कंटेंट लेके आए हैं वो बेसिकली एक ऑटो शो का व्लॉग है। आगे मेरे सामने एक लाइनअप खड़ा हुआ है, पहले मैं आपको वो लाइनअप दिखाता हूँ। तो ये हमारे आगे सारा लाइनअप खड़ा हुआ है अभी स्कूटर्स का। यहाँ पे कुछ स्टॉक वाली कैटेगरी है, उसके बाद कुछ जो कस्टमाइज हुए हैं वो हैं, मॉडिफाइड जो हुए हैं। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं, आगे जाके आपको अपडेट करते हैं। अभी हमें और स्कूटर ने आके ज्वाइन करना है। फिलहाल अभी ग्रुप का एडमिन मैं ही हूँ, तो सारा कुछ मैं ही देख के चल रहा हूँ इसको। तो अभी निकलते हैं आगे, इंशाल्लाह आपको जाके अपडेट करते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ मेंबर्स आ गए पीछे हो गए थे, तो हमने एक हल्का सा स्टॉप लिया जाके आप लाइनअप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये मैं इसकी एक सेकंड लाइट बंद कर लूँ, ये सारा व्यू है और इंशाल्लाह आगे जाके आपको अपडेट करते हैं। अच्छा जी, अभी हम शो के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे 350Z खड़ी हुई है। मैं समझता खाली बाइक्स का होगा, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ भी हैं। सबसे पहले हम अपने स्कूटर्स वगैरह जाके सेट कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आप पूरे ऑटो शो में जो जो चीज़ें आई हुई होंगी वो आपको दिखाते हैं। ताजी चेक करो, मस्टैंग आ गई है, सारी वाम टूट गई है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इंडस है, उसके साथ मर्सिडीज़ खड़ी हुई है और आगे एक सिविक है और मेरे ख्याल से ये JZX 100 है मेरे ख्याल से। उसके बाद यहाँ पे एक और मर्सिडीज़ है और ये BMW की बड़ी ही खूबसूरत सी हैचबैक एक खड़ी हुई है, इसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उसके साथ 350Z खड़ी हुई है। दोनों ही गाड़ियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार हुई हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। बैक से जाके आपको इनकी लुक दिखाता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह, दोनों शो में खड़ी हुई एक अलग सी चीज़ लग रही है। आगे जाके देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। यहाँ पे कुछ नेकेड बाइक्स खड़ी हुई हैं, उसके बाद आगे जो है वो वहाँ पे भूसा बॉयज़ आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा लाइनअप है। पहले आप ये नेकेड बाइक सारी देखें, फिर यहाँ से आगे आपको जाके दिखाता हूँ। ये एक साइड का हैवी बाइक्स का लाइनअप है, यहाँ पर हायाबूसा है, S2R है, ZX भी काफ़ी बाइक्स हैं, मिक्स ही खड़े हुए हैं। और आपको और जाके दिखाता हूँ जो सेकेंड लाइनअप है इनका। चेक करें जी, फुल हैवी लाइनअप और यहाँ पे कोई पता नहीं रैप करी जा रहा है, पता नहीं कौन करी जा रहा है, रैप R1 का ही साउंड लग रहा है वैसे मेरे ख्याल से। अच्छा जी, ऑटो शो में गुजरते गुजरते मेरी इसके ऊपर नज़र पड़ी और इसकी मैं स्पेशल वीडियो बनाने के लिए रुका हूँ। ये रॉयल एनफील्ड है, ये बेसिकली इंडिया में होती हैं ज़्यादातर ये बाइक्स, लेकिन ये पाकिस्तान में मुझे आज पहली दफ़ा नज़र आई है। हो सकता है ज़्यादा बाइक्स हों, लेकिन आज मुझे खुद ये पहली दफ़ा नज़र आई है। और ये माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत सी रीस्टोर हुई हुई थी, अब पता नहीं नया मॉडल है या इसको इम्पोर्ट करवाया उन्होंने, इसकी मुझे खैर नॉलेज नहीं है, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और आगे यहाँ से निकल के आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अभी तक इवेंट काफ़ी अच्छा जा रहा है, यानी फैमिली वाला इवेंट है, काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं और यहाँ पे कहने के कोई भी यानी बर्न आउट वगैरह या इस तरह का फिलहाल कोई इस तरह का सीन नहीं है। हल्की फुल्की रैप कर रहे हैं लोग बाइक्स को, लेकिन जो भी करते हैं उसको जाके रोक देते हैं। तो इवेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पर आई हैं और एक अच्छे लेवल के ऊपर ये इस वक्त ऑटो शो चल रहा है। यहाँ पे जी कुछ स्टॉक YBRs भी हैं, कुछ मॉडिफाई भी हैं, सारा कुछ मिक्स ही यहाँ पे हुआ हुआ है। और ये 125 किसने अपना बीच में खड़ा कर दिया ला के, खैर जो भी है, लेकिन यहाँ पे मॉडिफाई भी हैं, स्टॉक कैटेगरी भी है, सारा यहाँ पे मिक्स ही है। और यहाँ से आगे चल के आपको थोड़ी सी अपडेट करते हैं जो भी बाइक्स और मिलेंगे यहाँ पे। ऑटो शो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, तो आगे जाके आपको अपडेट करता हूँ। ये जी यहाँ पे मार्क एक्स आई हुई है और इसके अंदर एयर डली हुई है, लेकिन इस बेचारे को एंटर होने नहीं दे रहे शो के अंदर, ही बेचारा काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा है। तो आई थिंक थोड़ी देर बाद शायद इसको एंटर कर दें, लेकिन फिल वक्त इनको एंट्री नहीं मिल रही। और ये सारी यहाँ पे और बाइक्स आई हैं, कुछ YBRs हैं ये भी बीच में और
कैफे रेसर भी है, सारा कुछ फिलहाल अभी मिक्स ही चल रहा है। आगे जाके कोई और लाइनअप ढूंढते हैं और आपको वो दिखाते हैं। और ये डेड ड्रॉप सीट E70 चेक करें, कितनी खूबसूरत रीस्टोर हुई है। पीछे जो मैं आपको YBR दिखा रहा था वो स्टॉक थी, लेकिन ये वाली जो है ये प्रॉपर मॉडिफाई हुई हुई है। और इनके अंदर पता नहीं भाई ने खिलौने क्यों रखे हुए हैं, लेकिन ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा क्रू है और काफ़ी अच्छी इनकी बाइक्स तैयार हुई हैं। आज ही लड़ाई होगी भाई, पटाखे नहीं रोक रहे, उनको पटाखे रोकने का कही जा रहे हैं और ये पटाखे नहीं रोक रहे, आज ही लड़ाई होगी यहाँ। टैंक की एंट्री हो रही है, लेकिन वो भाई भी सही कह रहे थे, बड़ी बाइक जो थी वो कुछ थोड़ा सा रेव वगैरह कर रही थी, जिनकी वजह से जाहिर सी बात है और भी जो लोग खड़े हुए थे उनका दिल कर रहा था कि वो अपनी बाइक वगैरह को रेव करें, तो वो भी अपनी जगह पे ठीक थे।